लगाए जा रहे थे और ये तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस की तरफ अपना राय देने की कोशिश कर रहे थे, एक रवैया देने की तैयारी कर रहे थे आगामी चुनाव को लेकर, उन्हें साइडलाइन किया गया और उसका नतीजा अब ये निकला है कि जितिन प्रसाद के नाम पर तो मुहर लगी गई है। माना यह जा रहा है कि कई अन्य बड़े नेता जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्वाइनिंग कर सकते हैं भाजपा में। क्या मानना है आपका, इससे कितना नुकसान पहुंचेगा कांग्रेस को और साथ ही साथ भाजपा के लिए कितना फायदे का सौदा है? देखिए प्रियंका, जो जितिन प्रसाद को लेकर मुतल्लिक हम बात करते हैं तो अभी अभी अगर जितिन प्रसाद के राजनीतिक जो करियोग्राफ को हम देखें तो 2014 में भी वो चुनाव हारे धौलारा से, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी सीट बदली, उसके बाद 19 का भी चुनाव लोकसभा का हारे, और हारे ही नहीं उनकी जमानत जब्त हो गई। तो इससे इससे ये साफ है कि जो उन्होंने अपने जो उनके पिता ने शाहजहांपुर और आसपास जो रुहेलखंड है बरेली और जो उत्तराखंड से जुड़ा इलाका है उत्तर प्रदेश का, करीब विधानसभा की 20-22 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें, ये इस इलाके में बाबा जितेंद्र प्रसाद का एक आप प्रभाव कह सकते हैं, वर्चस्व तो नहीं लेकिन प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद जो के पिता थे उनको भी ये कहा जाता था कि वो बहुत जमीनी नेता नहीं है, लेकिन वो जो राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है उसमें अपने आप को उन्होंने स्थापित कर लिया था। तो एक उनका अच्छा खासा प्रभाव और सम्मान था एक बड़े नेता के रूप में। अब अगर देखें तो जो पिता की पूंजी थी जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें ये मिनिस्टर हुए, उस जो जब 2009 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 21 लोकसभा की सीट जीती थी, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को 20 सीटें मिली थी, मुलायम सिंह की जो पार्टी है वो 37 सांसदों से घटकर 23 सांसदों में सिमट गई थी, 23 सीटें मुलायम सिंह को मिली थी। अब तक अभी हाल के वर्षों में 1989 से लेकर अब तक का कांग्रेस का ये सर्वाधिक बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में रहा। 2009 में 21 सीटें जीती, उस दौर में जितिन प्रसाद चुनाव जीते थे, पहली बार सांसद बने थे। उसके बाद लगातार उसके बाद वो जो उनके पिता की पूंजी थी, जो कांग्रेस की पूंजी थी, उन्होंने उसको गंवाया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की और हालात यहां तक पहुंच गए कि उनकी जमानत जब्त हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई अनमोल रत्न उत्तर प्रदेश से उठा लिया है और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो नेता है वो बहुत नाकारा है या यहाँ के नेताओं में कोई दमखम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। संतोष गंगवार पिछड़ो वर्ग के नेता है, बरेली से आते हैं, बरेली शाहजहांपुर और आसपास का जो बदायूं का इलाका है वो संतोष गंगवार की बहुत तगड़ी पहट है, केंद्र में मंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री हुआ करते थे। कुर्मी वर्ग से आते हैं, अधिक पिछड़ो वर्ग से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर बरेली या रुहेलखंड या शाहजहांपुर के आसपास की बात करें तो संतोष गंगवार कहीं 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 ज्यादा प्रभावशाली नेता है। बस ये है कि इस समय संतोष गंगवार हाशिए पर हैं और जो उत्तर प्रदेश में या देश में जो जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी के अंदर जो पैरोकार हैं उन लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को एक चश्मा दिखाया कि जितिन प्रसाद के आने से ब्राह्मण जो रुहेलखंड जो वो इलाका है, तराई से जुड़ा इलाका है, जो उत्तराखंड से जुड़ा इलाका, उस इलाके में जो ब्राह्मणों का वोट बैंक है वो जितिन प्रसाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल झरझरा कर गिर जाएगा। लेकिन मेरा अपना मत है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सौदा जितिन प्रसाद के लिए फायदे का सौदा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस के जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि अगर 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें अगर कांग्रेस दाही का अंक अगर छू ले तो बहुत बड़ी बात थी। जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की 7 सीटें थी, 7, और जो भारतीय जनता पार्टी की एलआई अपना दल थी उसकी 9 सीटें थी, सबसे बड़ी कांग्रेस से बड़ी पार्टी अपना दल थी। तो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसमें बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदे का सौदा नहीं, लेकिन जितिन प्रसाद के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है कि वो 24 की तैयारी कर सकते हैं या उत्तर प्रदेश की बीजेपी में उनकी कोई भूमिका हो सकती है, इलेक्शन में कोई भूमिका हो सकती है, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जितिन प्रसाद को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाए। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, उसका अपना वोट बैंक है, उसका फायदा जितिन प्रसाद को जरूर मिलेगा प्रियंका जी। बिल्कुल, और इसी बीच अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा दें, पीयूष गोयल बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं,
यहाँ पर इससे पहले पीयूष गोयल अमित शाह के घर भी पहुंचे थे, जहाँ पर जितेंद्र प्रसाद भी पहुंचे हैं। आपस में बड़े नेताओं की यहाँ पर बैठक हुई है, और ऐसे में जब माना जा रहा है कि 1 बजे भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम तय है, तमाम बड़े नेता जितेंद्र प्रसाद के साथ ही वहां पहुंचेंगे, और उसके बाद भाजपा में ज्वाइनिंग होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में। दुर्गिन जी, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरह से जिस तरह की भाजपा को फायदे की आप बात कर रहे हैं, वो फायदा हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव से सीख लेकर और साथ ही साथ बंगाल चुनाव से सीख लेकर भाजपा अपना रुख आक्रामक जरूर दिखा रही है। जिस तरह से कई अन्य बड़े नेताओं की भी बात हो रही है, एक तरफ कांग्रेस को इस घटनाक्रम से झटका जरूर लगेगा, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हवा बनाने का काम जरूर हो सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले अक्सर देखा जाता है कि जब इस तरह राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी होती है तो नेताओं के साथ ही साथ जनता पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ता है, और ऐसे में चुनाव नतीजे भी इस तरह के घटनाक्रम से प्रभावित होते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अगर अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नेता कोई भारतीय जनता पार्टी में आता, या बहुजन समाज पार्टी में, अब तो खैर बचे नहीं है, एक ही दो नेता बचे, अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी में आता, तो मुझे लगता उसका कुछ एक सामाजिक स्तर पर असर पड़ता, और जो जिसकी बात कर रहे हैं पंचायत के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर अगर आप उसको पंचायत के स्तर पर देख रहे हैं, तो जितेंद्र प्रसाद मुझे लगता है अपने जिले की सीटें कांग्रेस को नहीं जीता पाए, जहां तक मेरे पास जानकारी है। वो बहुत बड़ी बात नहीं कि अपने गांव के का प्रधान का चुनाव भी उनका आदमी न जीत पाया हो, ये स्थितियां रही है जितेंद्र प्रसाद की। तो इससे मैंने फिर कहा कि अभी भी जो जितिन प्रसाद की हैसियत थी, वो जितेंद्र प्रसाद के बेटे के रूप में ज्यादा हैसियत थी, वो उत्तर प्रदेश में भी अपने को स्थापित नहीं कर पाए। अभी आप कह रहे हैं कि ये उनके जाने से क्या असर पड़ेगा, अभी लगभग 1 साल पहले ये चर्चा चली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और ये आपके सचिन पायलट, ये लोग बीजेपी में जा रहे हैं। 1 साल पहले थोड़ा तेवर इन्होंने दिखाए थे, जितेंद्र प्रसाद ने बीजेपी पे जा रहे, बीजेपी नेताओं से कुछ नजदीकियां इनकी बड़ी थी, उसी समय कहा जा रहा था कि ये जा रहे हैं। उसके बाद भी अभी अभी थोड़े दिन पहले चर्चा हुई कि अजय कुमार लल्लू को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष पद से हटाकर किसी युवा चेहरे को अध्यक्ष बनाया जाएगा, जितेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन जितेंद्र प्रसाद जानते हैं कि कांग्रेस ने अब उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बचा नहीं है, वो अध्यक्ष बनना ही अपने आप में और बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और जो स्थितियां है, जब तक कि कांग्रेस के संगठन को 24/7 तरीके से उसको ना देखा जाए, जैसे 2009 में दिग्विजय सिंह जब यूपी के प्रभारी थे, तब उन्होंने कांग्रेस को एक बार वाइब्रेंट बना दिया था, और उसी का नतीजा था कि 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें कांग्रेस ने जीती। लेकिन 1 साल के 2009 के चुनाव के ठीक बाद दिग्विजय सिंह को कांग्रेस नेतृत्व ने हटा दिया और मधुसूदन मिस्त्री को यूपी का प्रभारी बना दिया, बस कांग्रेस वहीं से रसातल में फिर चली गई। जो एक उम्मीदें थी कि अगर 2012 के इलेक्शन तक अगर दिग्विजय सिंह, जो संगठन के बहुत अनुभवी आदमी है, 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए अगर कोई आप नेता है कांग्रेस के पास, तो वो मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह है। और अगर दिग्विजय सिंह को 2012 तक वो बनाए रखते, तो मुझे लगता है कि जो 12 के विधानसभा चुनाव में और फिर 17 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐसी बुरी स्थिति नहीं होती। तो यही वजह है 12 के चुनाव में भी ये सब थे, जितिन प्रसाद और ये सब मिनिस्टर थे, तब कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति क्यों नहीं कर पाए। 17 में भी बहुत करिश्मा, अगर इतने ही करिश्माई नेता थे तो खुद अपना इलेक्शन जीत लेते। तो मेरा अपना मानना है कि ये सौदा जितेंद्र प्रसाद के लिए, मैं बार बार कहूंगा कि उनके लिए फायदेमंद है। पीयूष गोयल के जरिए ये गए हैं, पीयूष गोयल यहाँ यूपी में ऑपरेट कर रहे हैं, अचानक अब यूपी में ऑपरेशन तेज हो गया है, और अब अपने तरीके से लोगों को जो शीर्ष नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द अपने तरीके से लोगों का एक जो एक औरा है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि जितेंद्र प्रसाद की जो ज्वाइनिंग के बारे में योगी आदित्यनाथ या स्वतंत्र देव सिंह से कोई बहुत मंत्रणा की गई होगी इस दौर में जो माहौल चल रहा राजनीति। तो ये एक तरीके से पैराशूट लैंडिंग है जितेंद्र प्रसाद की। कांग्रेस के हालात बुरे हैं, उसका फायदा नुकसान मुझे लगता है अब वो निर्विकार भाव से मान चुकी है कांग्रेस कि उसका कोई फायदा है नुकसान का कोई उत्तर प्रदेश के मुतल्लिक कोई मतलब नहीं गया है, जब तक कि कोई करिश्मा यहाँ उत्तर प्रदेश में हो नहीं जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण नेता तोड़ कर लिया है, लेकिन